हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन का। मैं देख लेते हैं आज क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले स्वाति बेले जी को थैंक यू बोल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। स्वाति जी के लिए अगर कोई मैसेज है तो देख लेते हैं कि डिवाइन का क्या मैसेज है उनके लिए। प्रेस फॉर क्लोजर। ओके, तो आपके जीवन में कुछ चीजें जो हैं बहुत एक विस्तृत रूप लेने वाली हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक नया रूप लेंगी और एक नई सिरे से आप चीजों को देख पाएंगी। बहुत ही एक होता है ना, जूम इन करके एक पिक्चर जो है आपके सामने आएगी और आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगी। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए था। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। जबरदस्ती की रीडिंग को अपने ऊपर ना थोपे। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आपको मेरी रीडिंग्स का जब भी पोस्ट होती है तो पता चल जाए। ठीक है, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, पहले क्योंकि ये दिखा है मुझे, जस्टिस पहले आया था बट वो छुपा दिया गया था, तो यहाँ पर जस्टिस भी आ गया है। ठीक है, अभी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलिए और मैसेजेस ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आज क्या आ रहा है? जस्टिस आ रहा है बेसिकली आपके लिए किसी चीज में। ओके, दो मैसेजेस आ गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं वैसे मैसेज नहीं लेना चाहती थी बट ओके, द लवर्स। बट क्योंकि मैंने मैसेज, मैं जैसे इसको रखने के लिए किया वो शो हो गया मुझे, तो चलो ले लेते हैं, है ना। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई देखिए, आपके भाग्य तो आपका बदल रहा है, नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है कि भाग्य तो आपका बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस भाग्य को कुछ लोग और भी हैं जो अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। टेन ऑफ कप्स। वाओ, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइन ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स।
एस ऑफ कप्स। ओके okay. इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं लेने थे, कोई बात नहीं। हाँ तो देख लेते हैं। ओके बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटेकल्स आपके लिए, और है फोर ऑफ पेंटेकल्स। पैसा आ रहा है बेसिकली आपके पास, बहुत 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 पैसा। पैसे से रिलेटेड ना कुछ चीजें बहुत साफ साफ नजर आ रही हैं, या तो आपके पैसे पर बहुत ज्यादा नजर है किसी की, कुछ लोगों की, और आपके पास पैसा आ रहा है जिसको लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपके जो लाइफ है उसमें हो सकता है कि शायद अभी ऐसी प्रॉब्लम है कि ये फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस चल रहे हो। जैसे मतलब एक होता है आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है, अकेले बहुत ज्यादा है, चिंताएं बहुत ज्यादा है, हारा हुआ सा महसूस हो रहा है आपको, अकेलापन फील हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा गरीबी और दरिद्रता टाइप की जो है आपको महसूस हो रही है, इनसिक्योरिटी है, डर है बहुत ज्यादा। एक होता है ना आत्मविश्वास की बड़ी कमी, मतलब ओवरऑल पूरा का पूरा ना एग्जाइटी से भरा हुआ जैसे कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हर तरफ से नेगेटिविटी भरी हुई है, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज्यादा हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी के साथ नहीं बन रही है, समय बहुत खराब चल रहा है ओवरऑल। तो हर चीज में जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ये किसी की एनर्जी आई है बहुत ज्यादा ऐसी, या फिर आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जस्टिस पहले ही आके विराजमान हो गया है और वो कहना चाहता है कि बस मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल कुछ लोग जो हैं उन्होंने आपके लाइफ में ना आपके पैसे को बहुत ज्यादा टारगेट किया, लालच बहुत ज्यादा रहा है कुछ लोगों को, और उन्होंने आपके जीवन से आपके पैसे को और आपकी चीजों को छीनने की बहुत ज्यादा भरसक कोशिश की है, और इसीलिए ईश्वर जो है अब आपके लिए जस्टिस दे रहे हैं आपको। आपका बेसिकली करियर जो है इस समय अब एक अच्छे मोड़ पर हो सकता है, आप अपने जीवन के मटेरियलिस्टिक मोड़ पर हैं, यानी कि आप अपने जीवन में अभी इस समय पर संपत्ति बनाने के बहुत ज्यादा, मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपके अंदर ये एंथुसियाज्म था कि आपको लाइफ में ये भी करना है, वो भी करना है, ये क्रिएट करना है, वो बनाना है, ऐसे बनाना है, और उन सभी चीजों को आप बहुत जल्दी 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 अपनी लाइफ में बना भी लेना चाहते थे, और बना लेने के आप लायक भी थे, नो डाउट। ठीक, और वो चीजें आपके जीवन में आ भी रही हैं अब दोबारा से। आपके रास्ते में कुछ लोगों ने ना रोड़े डालने की कोशिश की है, अटकाए गए हैं रोड़े, ये खुद से नहीं आए थे, अटकाए गए थे स्ट्रेटेजिकली, रोड़े अटकाए गए थे आपके जीवन में ना, बेसिकली आपके संपत्ति को रोकने की कोशिश की गई थी, आपके प्यार को रोकने की कोशिश की गई थी, आपके भाग्य जो कि बदल रहा था, यानी कि आप डिले हुए होंगे अपने जीवन में, आपके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले हो जानी चाहिए थी बट वो नहीं हुई, उनमें देर हो गई, और वो देर होने का कारण ये घटिया गिरा हुए लोग भी थे। ठीक है, तो ओवरऑल आपके जीवन में जो भी चीजें आपके हाथ से छिन गई थी वो सभी चीजें अब आपके जीवन में वापस आएंगी, हर एक चीज आपको रिप्लेस होगी। ठीक है, आपके जीवन में हर एक चीज आपको रिप्लेस हो रही है, आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है, आप अपने जीवन में अब संपत्ति बना पाएंगे, या क्योंकि कोई ऐसी चीज है जो नई आप खरीदेंगे और वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी। ठीक है, आपके बहुत ही नियर फ्यूचर में यानी कि सितंबर अक्टूबर में ये हो सकता है एकदम से आपका ना भाग्य बदलेगा, एकदम से चीजें बदल जाएंगी आपके लिए, सब कुछ जैसे बदल जाएगा, हर एक चीज नहीं होगी। अब आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी जो कि पहले नहीं था, क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शन चल रही होंगी, है ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल चल रही थी, क्योंकि फाइव ऑफ पेंटेकल्स के नीचे आया ना टेन ऑफ कप्स, यानी कि आपके जो पारिवारिक जीवन है, आपकी शादीशुदा लाइफ है, रिलेशनशिप हो सकता है, या आपकी आपकी खुद की फैमिली हो सकती है, तो उसको बेसिकली खराब करने की ना बहुत ज्यादा कोशिश की गई है यहाँ पर, लेकिन अब वो सभी चीजें रिप्लेस हुई हैं आपकी, और जो भी जिसने किया था वो रिवर्स हुआ है उसको। अब आपकी फैमिली भी आपको फुल सपोर्ट करेगी और आपकी
आप अपनी फैमिली को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे, बना पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए आप नई नई चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जस्टिस जिन लोगों के लिए आया है उनकी तो हो गई हालत खराब, नींद उड़ गई है उन लोगों की, और अब वो अपने कर्म से डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि आप कर्मों की मार पड़ने वाली है, या फिर शुरू हो गई, उनको एहसास हो चुका है इस बात का। अब वो रातों को उठ उठ के बैठ जाते हैं, अब उनको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपके लिए हैं। और बेसिकली जहां पर आपके मटेरियलिस्टिक चीजों को, जैसे कि आपके अपनी लाइफ में काफी टाइम पहले जैसे कुछ चीजें आप बनाना चाहते थे, कुछ चीजें खरीदना चाहते थे, हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हो घर खरीदने का, बहुत लंबे समय से सोच रहे हो कार लेने का, पर वो नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पा रहा था, वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर जो है आप अब उन सभी चीजों को कर पाएंगे और आप अपने लिए कुछ भी नई चीजें जो है खरीद पाएंगे। ओवरऑल आपके जीवन में बहुत ही सुखद एक समय आ रहा है, बहुत ही सुखद समय आ रहा है जिसमें मनी फ्लो बहुत ज्यादा होगा, धन की बेसिकली आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, इतना अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। ठीक है, द लवर्स के ठीक नीचे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया, यानी कि आपके जीवन में सच्चे प्यार को रोकने की कोशिश की गई थी, आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई थी, आपके जीवन में कोई अच्छा इंसान ना आए, आप अच्छे इंसान के साथ आगे ना बढ़े, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका प्यार आपको मिल रहा है, और जो भाग्य आपका रोका जा रहा था, बार 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 रोड़े अटकाए जा रहे थे, वो सभी चीजें जो है बैकफायर हो गई हैं उन्हीं लोगों के पास जिन लोगों ने भेजी थी, और आपका भाग्य अब आपको मिल रहा है, यानी कि पूरा चेंज आपके जीवन में अब आ रहा है जो थोड़े से समय पहले हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, किसी ने आपके जीवन को फाइव ऑफ पेंटिकल्स बनाने की कोशिश की थी, बट आप जो है अपने जीवन में फिर से फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, आप फिर से अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमाने के ईश्वर ने काबिल बना दिया है आपको। तो ओवरऑल जो है आपके लिए जस्टिस आ रहा है यहाँ पर, ना जस्टिस आ नहीं रहा है, जस्टिस आ चुका है, और जिनके ऊपर बिजली गिरी है ना, वो उनकी हालत तो खराब हो गई है, वो तो गए काम से। बेसिकली आपके ना पूरे के पूरे भाग्य के साथ छेड़छाड़ की गई है यहाँ के ऊपर, ये किसी बहुत बुद्धिमान इंसान का काम है जिसने आपके पूरे भाग्य को छेड़ने की कोशिश की है, उसने आपके भाग्य में जो प्यार था, खुशियां थी, जो भी चीजें थी, उन सभी चीजों को ना अपने लिए स्वाइप करने की कोशिश की है, कि कोई गंवार इंसान है, बट आप सेफ हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप सेफ हैं। द डेविल एज आई टोल्ड यू। तो भाई आपके ऊपर जो है किसी तरह की कोई नेगेटिविटी अटैच करने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही होगी, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है, अपने नेगेटिव थॉट से बचना है। हो सकता है कि इस समय आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचें, बहुत ज्यादा होपलेस फील करें, या कुछ पास्ट की चीजों को याद कर करके आप तकलीफ में पहुंच जाते हो, रोते हो, कुछ ना कुछ ऐसा, उस चीज से बाहर निकलिए, क्योंकि नेगेटिविटी जो है आप पर प्रोजेक्ट की गई है और ये आपके ऊपर असर भी कर रही है, यानी कि आप दुखी हैं, ये आपको दुखी नहीं होना है। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है भीम, यानी कि स्ट्रेंथ, आपको जो है थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और चीजों को एक अलग सिरे से देखने की जरूरत है, जितना हो सके चीजों को एक अलग ढंग से देखिए और बदलिए बेसिकली अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिव जितने भी आपके जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को बदलिए पॉजिटिव। रथ, द चैरिट रथ, यानी कि ईश्वर जो है कृष्ण अपना रथ लेकर आ गए हैं, और अब जो लोग बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं ना उनकी बारी आ गई है, अब उनकी बारी आ गई है और उन्हें डर कर भागने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे अपना रथ लेकर आ गए हैं और पक्का यहाँ पर महाभारत होने वाली है जिसे सारी दुनिया भी याद करेगी। ठीक है, थंडर बोल्ट,
ये आपके दुश्मनों पर गिरने वाला है, थंडर बोल्ट, ठीक है। दूसरा कार्ड है, नंबर 3 का है सेलिब्रेशन। आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर किसी ने दोबारा आपके ऊपर प्रोजेक्शन की थी और आपके भाग्य को छेड़ने की कोशिश की थी और बिजली कुत्ते ही सिर पर गिर गई है। आपके जीवन में कोई बहुत अच्छा बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जितना होना था हो चुका है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को याद करने की जरूरत है। ठीक है, इतनी एनर्जी आपके लिए थी। आप आंसर बुक में से कुछ आंसर ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रही है आंसर बुक। एक्सेप्ट अ चेंज टू योर रूटीन। तो आपके जो रूटीन जीवन यानी कि रेगुलर लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, उस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपके जीवन में जो है नई चीजें आ रही हैं, हो सकता है आप वहाँ एग्जिस्ट ना कर पाए जल्दी से, या फिर चीजों के साथ समझौता ना कर पाए, तो थोड़ा सा आपको करने की जरूरत है। धीरे धीरे शुरू कीजिएगा, बट अभी पहले चीजें जो आप अपने आपकी लाइफ में बेसिकली आनी चाहिए वो आए तो सही। ठीक है, आप सुरक्षित हैं। थोड़े से मैसेजेस चैनल डेक में से ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके दिन पर भी। टाइम इज चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू। चलो कुछ मैसेजेस देखते हैं। When a prayer becomes your habit, miracle become your lifestyle। जब ईश्वर से प्रार्थना करना आपकी आदत बन जाती है तो ईश्वर भी आपके लिए लगातार चमत्कार करना शुरू कर देते हैं। Everyone has a different clock, wait for your time। हर किसी के पास अपनी अलग एक घड़ी है, उसके अनुसार लोग चलते हैं जबकि उनकी घड़ियां गलत हैं। आप अपनी घड़ी के अनुसार चलिए। You are a child of God। आप ईश्वर की संतान हैं। New path is about to open। तो कोई रास्ता जो कि नया है, बिल्कुल नया है, आप लोगों के लिए खुलने वाला है। ऐसा हो सकता है कि कोई नया इंसान आप लोगों के साथ रिलेशनशिप में आए। Why didn't you come to convince me? किसी को बहुत तकलीफ है कि तुम मुझे मनाने नहीं आए। नो वन इज यू दैट इज योर सुपर पावर। हर कोई जो है आपको कॉपी करता होगा, आपके जैसा बनने की कोशिश करता होगा, तो ईश्वर कह रहे हैं नो वन इज यू दैट इज योर पावर। तो कोई आपके जैसा नहीं है, इसलिए यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक और मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।